जय जीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी F2P रोटी की रेसिपी शेयर करना चाहूंगी, फुल्ली फाइबर एंड प्रोटीन रोटी। आइए देखते हैं। गेहूं का सबसे पहले हम लेंगे फुल्ली फाइबर और कैल्शियम वाला रागी का आटा, ओट्स का आटा, गेहूं का आटा, पनीर बहुत सारा उबाल कर, ठंडा करके, क्रश करके, सोया बड़ी बहुत सारी, दूध लेंगे, कड़ी पत्ता देखिए हम बहुत बारीक पीस लेंगे, इससे हमारे बच्चों की आंखों की रोशनी अच्छी रहती है और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। हरी मिर्ची है, स्वादानुसार नमक है, थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। काली मिर्ची पाउडर बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए और कफ हारी भी है ये। अजवाइन डालेंगे हम, ये बहुत सारा हम एक कप भर के लेंगे। इसमें अलसी, फ्लैक्स सीड्स का आटा, जिससे इस आटे रोटी में बाइंडिंग भी अच्छी होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। फिर हम लेंगे यहाँ पर हल्दी और धनिया पाउडर। अब हम इस सबको मिलाकर एक अच्छा सा आटा तैयार कर लेंगे। देखिए सारी सामग्री मिलाकर उसन कर आटा मैंने आधा घंटे के लिए रख दिया था। देखिए बहुत नरम आटा तैयार है। आइए अब हम इसकी रोटियां बनाते हैं। इसकी हमने नॉर्मल ही रोटियां बेली हैं। खास इसमें यह ध्यान रखना है, रोटी डालने के बाद इस तरह से पानी का एक हाथ फेर देना है। इस तरह से आप देखेंगे ये रोटियां बराबर सेकते हैं हम। एक या दो बूंद तेल या घी के साथ हम सेकेंगे इसे और ये पूरी फूली हुई रोटी तैयार है। इस तरह से एकदम नरम कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में खाने के लिए फुल्ली फाइबर प्रोटीन वाली रोटियां तैयार है। आप देखेंगे इसे टमाटर की चटनी से खा सकते हैं, दही से, मेरे बच्चे गोंदे के अचार से खाते हैं और ये बहुत ही नरम बनती है।